चलिए बढ़ते आगे, बात करेंगे रोहतक से खबर की, जहां पर विश्वविद्यालय के गेट पर एनएसयूआई की तरफ से प्रदर्शन किया गया है। फीस बढ़ोतरी का विरोध किया गया एनएसयूआई की तरफ से, और मांग ना मानने पर आगे और भी बड़े आंदोलन की चेतावनी दी गई है। रोहतक विश्वविद्यालय में नई शिक्षा नीति लागू करने और 4 से 5 गुना फीस बढ़ाने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस की छात्र विधायक एनएसयूआई ने रोहतक के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में प्रदर्शन किया है। इस दौरान सुरक्षाकर्मियों से छात्रों की झड़प भी हुई। छात्रों का सीधे तौर पर कहना है कि जब तक ये हमारी दोनों मांगे नहीं मानी जाती तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। एमडीयू प्रशासन के द्वारा जो फीस 5-5, 6-6 दुगनी तिगनी 5 गुना 8,000 से 50,000, किसी की 60,000 की 40,000 कर दी गई, जो हम गरीब छात्रों का जो अत्याचार कर रही है, जो ये सरकार और ये वीसी हम लोगों को अपना शिक्षा का अधिकार प्राप्त करने से रोक रही है, उसके खिलाफ हमने फीस वृद्धि के खिलाफ ये प्रदर्शन किया। इससे पहले हमने 30 तारीख को इनको ज्ञापन भी दिया था, तो इन्होंने कहा था हम इस पर चर्चा करेंगे और आपकी मांग मानी जाएगी। तो आज इन्होंने हमें मजबूरन ये प्रदर्शन करना पड़े। आज भी हमारी मांग ये है कि आके बताए क्या चर्चा हुई। हम काफी लोग जैसे अंदर से कह रहे, कोई ओपन मीडिया में आपको मैं बताना चाहूंगा कि आप लोगों के बच्चे हैं, हम अभी स्टूडेंट हैं, इन लोगों को कहना हमारे पास पैसा नहीं है। तो ये सरकार तो वादा करती है कि हमने एजुकेशन सिस्टम इतना सुधार दिया, हम किसी को शिक्षा देने से वंचित नहीं कर रहे। तो हमारी यही मांग है कि फीस वृद्धि वापिस हो और इस पे जो भी है बताए। अगर ये सरकार पैसे देने में व्यर्थ है तो आने वाले टाइम पे हम लोगों से चंदा इकट्ठा करके देने को भी तैयार है। कोई फीस जो पहले 8,000 होती थी वो 40,000 हो गई, 4-4, 5-5 गुना बढ़। फिलहाल इन तमाम खबरों के साथ न्यूज़ रूम लाइव से मुझे दीजिए इजाज़त, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए। राम राम।